एसकेपी 7 न्यूज शेखपुरा। एनआरसी और सीएए के समर्थन में हिंदुओं का जुलूस में उमड़ा जन सैलाब। शेखपुरा जिला मुख्यालय के नगर क्षेत्र में नागरिकता संशोधन बिल और सीएए के समर्थन में हिंदू समुदाय के लोगों ने विशाल संख्या में 65 फीट तिरंगे और एवीबीपी के झंडे के साथ सड़कों पर जुलूस निकाला। यह जुलूस पूरे शहर में भ्रमण किया। जुलूस का नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी के जिलाध्यक्ष रोहित कुमार ने किया। जुलूस के दौरान जुलूसकर्मियों के हाथों में एनआरसी और सीएए के समर्थन में तख्तियां थीं। लोग सीएए के समर्थन में पीएम मोदी और हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। एक वाहन के ऊपर भारत माता की तस्वीर लगाकर जुलूसकर्मी चल रहे थे। जुलूस में भारी संख्या में उपद्रवियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस बलों के मजिस्ट्रेट को तैनात कर रखा था। मजिस्ट्रेट के रूप में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश दयाल मौजूद थे। मौके पर भाजपा नेत्री रेशमा भारती ने कहा कि हम लोग पीएम मोदी और अमित शाह के द्वारा लाए गए देश हित में नागरिकता संशोधन बिल और सीएए की जमकर प्रशंसा की। इसी बिल के समर्थन में तमाम हिंदू भाई और बहनों द्वारा पैदल मार्च निकाला गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिलाध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा कि देश में जो एनआरसी और सीएए कानून लागू हुआ है उसके समर्थन में जुलूस निकाला गया है। सभी लोगों को बताना है कि जो भारत देश के नागरिक हैं उन्हें एनआरसी और सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। यह कानून देश हित में है। हिंदू भाई देश के लिए आगे आएं। पीएम नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय में डॉक्टर पूनम शर्मा योगदान देते हुए इस बिल का समर्थन किया है। मौके पर भाजपा नेत्री रेशमा भारती एवीबीपी के जी लाध्यक्ष रोहित कुमार मनोहर कुमार सोनी आरएसएस के अशोक कश्यप रोहित कुमार नीतीश राणा राजा कुमार विकास कुमार बिट्टू कुमार अमन कुमार इंद्र दमन कुमार मोहित कुमार समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता समेत हिंदू समुदाय के लोग उपस्थित थे। ये क्या चीज को लेकर के ये प्रदर्शन अमेंडमेंट एक्ट जो नया कानून आया है नागरिकता संशोधन कानून उसके समर्थन में पैदल मार्च निकाल रहे हैं और शांतिपूर्वक हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमारे वोटिंग लीडर सिर्फ इसके आगे में रहेंगे। हमारे जो भी वोटिंग लीडर हैं वो आगे में रहेंगे। उसके अलावा कोई भी है वो कृपया पीछे रहे। मंत्री जी के कोई भी है सिर्फ मेरे वोटिंग लीडर आगे रहेंगे। संशोधन बिल है क्या चाहिए बताइए। और उनके अलावा महिलाएं हैं वो हम लोग के बीच में रहेगी। नागरिकता संशोधन बिल है क्या पीछे में जो वॉलंटियर है वो तिरंगा को बताइए है कि जो नागरिक नागरिकता क्या है पहले ये हमें बता देती हूँ आपको। जो नागरिक यहाँ भारत में जन्म लिए हैं वो यहाँ के नागरिक हैं। जो यहाँ जमीन जो होता है कि किसी के कब्जे में है वो हमारे पास आया वहाँ के नागरिक हमारे नागरिक हैं। और जो यहाँ के माँ बाप हैं मतलब कि अनुवांशिक जो हमारे माँ पिताजी हैं उनसे बच्चे हुए वो हैं यहाँ के नागरिक हैं। और नागरिकता संशोधन कानून ये आया है अभी ये आज नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के समय में ही 1950 में ये संशोधन पास हुआ था। ये चीज को लेकर के हम लोग देश के लिए जो अभी लागू हुआ है सीए उसके समर्थन में हम लोग उसके समर्थन में हम लोगों ने जुलूस निकाला है। और सभी लोगों को ये बताना है कि जो भारत के देश के नागरिक हैं उनको किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है और देश के लिए आगे आएंगे। और आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर पूनम शर्मा है प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। मैं पीछे जो तिरंगा झंडा है।